भगवान शिव जी का वास्तुशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। इसके दो कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी देवों के देव महादेव जी का त्योहार। शिवरात्रि यानी रात्रि के समय भगवान शिव जी की प्रार्थना, सुमिरन, मंत्र ध्यान करना, यही इसका महत्व है। हर साल करीब करीब 12 से 13 शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष की वो सबसे लंबी रात, जिस दिन हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए उसे शिवरात्रि कहते हैं। खास करके माघ महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे विश्व में सारे ग्रह एक ऐसी रेखा में होते हैं कि जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही प्रभावशाली पवित्र ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ पृथ्वी के भूगर्भ में से भी आपको ऐसी ही विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का विशेष महत्व ये है कि आपको उसे ऊर्ध्व परिस्थिति यानी सीधे खड़े होने की पोजीशन में, पीठ की रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हो या खड़े हो। इस तरह से आपको पूरी रात भर जागना है और नीचे से ऊपर तक आपके शरीर में इस ऊर्जा को स्वीकारना है। ये ऊर्जा प्राप्त करने से भविष्य में आपके कार्य प्रणाली को एक बेहतरीन ऊर्जा प्राप्त होती है, एक सफलता प्राप्त होती है। इस रात्रि में आपको ध्यान धारणा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, या फिर शिव जी के कुछ खास मंत्रों का आप अगर उच्चारण करोगे तो वो सबसे बेहतरीन होगा। शिव जी का सबसे बेहतरीन मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृता। या दोस्तों, आज के इस समय में शिव जी का एक और भी प्रभावशाली मंत्र है, शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। सो दोस्तों, शिवरात्रि का मकसद रात भर जागते रहना है। हाँ, आप ध्यान धारणा सुमिरन के साथ में आप थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम भी देख सकते हो, ताकि आप सुबह सूरज निकलने तक यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जागते रहिए और वो पवित्र ऊर्जा प्राप्त करें और अपने जीवन को एक सफलता प्राप्त करने का अच्छा मार्ग प्राप्त करें। भगवान शिव जी का वास्तुशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। इसके दो कारण हैं। ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, जो जल तत्व और ईश तत्व का स्थान है। ईश तत्व यानी ईश्वर और ईश्वरों के ईश्वर यानी भगवान महादेव। इसका मतलब ईशान दिशा के या ईशान कोण के पालनकर्ता साक्षात महादेव है। उसी तरह जल तत्व हमें आर्थिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति तथा आरोग्य देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जल तत्व माँ गंगा के रूप में भगवान शिव जी के माथे पर विराजमान है और इस जल तत्व को कंट्रोल करते हैं साक्षात चंद्रमा, और वो चंद्रमा भी भगवान शिव जी के माथे पर बैठे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात याद रखिए कि वास्तुशास्त्र में एक साइकिल होती है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, एक साइकिल होती है साइकिल ऑफ बैलेंसिंग, और तीसरी साइकिल होती है साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन यानि ब्रह्मा, साइकिल ऑफ बैलेंस यानि विष्णु, तथा साइकिल ऑफ कंट्रोल। और ये जल तत्व को कंट्रोल करने वाले चंद्रमा, ये सारे ईशान कोण में
भगवान शिव जी के साथ बैठे हुए हैं। सो इस तरह से भगवान शिव जी का वास्तुशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। हमारा जो वास्तु पुरुष है वो आपके घर में इस तरह से बैठा हुआ है कि इनका सिर ईशान कोण में है और इनके पैर नैऋत्य कोण में है, यानी ईशान कोण यानी दिमाग का स्थान। और इंसान को जिंदगी में हमेशा हर काम के लिए दिमाग चलाना यानी डिसीजन लेना और डिसीजन लेकर काम को आगे ले जाना, इसलिए दिमाग का अस्तित्व और उसका संबंध ईशान कोण से है। इस ईशान कोण से आपको आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है, शैक्षणिक प्रगति प्राप्त होती है तथा आपका आरोग्य बेहतरीन रहता है। साथ ही साथ वास्तु देवता का सिर ईशान कोण में होने की वजह से यानी आपका दिमाग, आपका ब्रेन पूर्ण रूप से ईशान कोण की वास्तु संतुलन पर एक्टिव रहता है। आपकी ईशान कोण अगर परफेक्टली पॉजिटिव होगी तो आपका दिमाग बेहतरीन चलेगा। आपका ईशान कोण अगर बिगड़ा होगा तो आर्थिक समस्या आ सकती है, शैक्षणिक प्रगति में अड़चने आ सकती है या फिर हेल्थ यानी आरोग्य की तकलीफ हो सकती है। सो दोस्तों, ईशान कोण हेल्थ, वेल्थ और एकेडमिक प्रोग्रेस के साथ आपके डिसीजन मेकिंग को परफेक्ट करता है और वहीं पे कोई भी वास्तु दोष आपको इन चीजों में बाधा ला सकता है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा, शिवरात्रि की पूजा यानी आपके घर के ईशान कोण को पावरफुल करने का एक बेहतरीन तरीका। सो दोस्तों, इसलिए शिवरात्रि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तथा आपको मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि अगर आपको वास्तुशास्त्र और मानवीय जीवन से संबंधित जो भी कोई सवाल या किसी विषय के बारे में अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न तथा आपका विषय हमें ज़रूर दीजिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने की। धन्यवाद।